हम सब ये सोचते हैं कि अगर कॉन्ग गोडजिला से लड़े तो दोनों में से कौन सा टाइटन जीतेगा। हालांकि इस टॉपिक पर एक मूवी भी बनी हुई है जो कि 1960s में रिलीज हुई थी और इस मूवी को इशिरो होंडा ने डायरेक्ट किया था और ये मूवी गोडजिला फ्रेंचाइजी की मूवी थी और इस मूवी के अंदर कॉन्ग जीत गया था। लेकिन इस मूवी में ज्यादा डीप न जाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं क्योंकि मॉन्स्टरवर्स की अपकमिंग मूवी में हमें पता लगने ही वाला है कि इन दोनों टाइटन्स में से कौन किंग ऑफ द टाइटन्स होने वाला है। लेकिन ये तो सिर्फ दो टाइटन्स की बात हुई और मॉन्स्टरवर्स में इनके अलावा भी बहुत सारे टाइटन्स हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे किंग कॉन्ग और मेथुसेला के बारे में कि अगर ये दोनों बड़े टाइटन्स आपस में टकराते हैं तो कौन विजेता बनता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का रिकमेंडेशन हमें श्री संजीव बैनर्जी ने दिया था। इनकी तरह आप लोग भी हमें अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं और एक वीक के अंदर ही हम उस टॉपिक पर वीडियो प्रेजेंट कर देंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब जब सारी बातें हो चुकी है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग और मेथुसेला की फाइट को हम कुछ मेजर पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जैसे कि ओरिजिन, स्पीड एंड एजिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट, आर्मर एंड हीलिंग फैक्टर और इंटेलिजेंस। राउंड वन, ओरिजिन। तो बात करते हैं इनकी ओरिजिन के बारे में। तो कॉन्ग क्लॉलिस अपोलिस हाइब्रा ब्रीड का एक एप है, अपनी नस्ल का इकलौता है और साइज में बहुत बड़ा है। कॉन्ग स्कल आइलैंड पर रहता है और वहां का किंग भी है और गॉड भी, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्कल आइलैंड के लोग उसे अपना भगवान मानते हैं। बहुत पहले स्कल स्कॉलर के झुंड ने कॉन्ग के प्रजाति और पूर्वजों पर हमला कर दिया था जिस वजह से उसकी पूरी नस्ल खत्म हो गई सिवाय कॉन्ग के पेरेंट्स के। फिर उसके काफी सालों के बाद कॉन्ग के जन्म के वक्त दोबारा एक बार स्कल स्कॉलर ने उसके पेरेंट्स पर हमला कर दिया और इस बार कॉन्ग के पेरेंट्स भी नहीं बच पाए और कॉन्ग अपने जैसों में सिर्फ अकेला बचा हुआ है। यही सब इंसिडेंट्स देखकर कॉन्ग बड़ा हुआ है, इसीलिए कॉन्ग के ओरिजिन में इमोशन भी है और दर्द भी, और यही सारी चीजें कॉन्ग को हमारी नजरों में हीरो बनाती है। वहीं दूसरी तरफ मेथुसेला की ओरिजिन कॉन्ग से बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि इसकी ज्यादा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम उनके बेसिस पर आपको मेथुसेला के बारे में बताएंगे। मेथुसेला ये टाइटन सबसे पुराने टाइटन्स में से एक है। इसका नाम मेथुसेला भी इसी वजह से रखा गया था क्योंकि ये सबसे पुराना टाइटन है। इसका नाम पड़ा था मेथुसेला नाम के एक रियल पर्सन से इंस्पायर्ड होकर जो कि 969 ईयर्स तक जिए थे और ये सबसे पुराने इंसानों में से एक है। और अगर हम टाइटनस मेथुसेला की एज की बात करें तो ये लगभग 1 बिलियन साल का है। साथ ही ये सालों साल तक सोने में गुजार देता है। हमारे पास इस टाइटन की इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इसकी डीप इन्फॉर्मेशन के बारे में मोस्ट प्रोबेबली हमें अपकमिंग मूवीज में ही पता लगेगा। तो अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ओरिजिन के राउंड का विनर हम कॉन्ग को मानते हैं। कॉन्ग के विनर बनने के पीछे का रीजन कॉन्ग का वेल डिफाइंड और इमोशनल ओरिजिन है, जबकि मेथुसेला को अभी मॉन्स्टरवर्स के अंदर ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। राउंड टू, स्पीड एंड एजिलिटी। तो कॉन्ग सरप्राइजिंगली अपने साइज के हिसाब से बहुत तेज है और अपने ऊपर हुए हमलों से बड़ी जल्दी डॉज कर सकता है। उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फास्ट अटैक करता है और साथ ही बहुत ही लंबी जंप भी लगा सकता है। और वही मेथुसेला का स्पीड और एजिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, ये बहुत स्लो है और अटैक्स भी बहुत स्लो करता है, इसीलिए इस राउंड का क्लियर विनर कॉन्ग है। राउंड थ्री, स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कॉन्ग बहुत स्ट्रांग है और यही चीज इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। साथ ही इसकी कॉम्बैट स्किल्स इतनी शानदार है कि ये अपने कई अपोनेंट्स के साथ एक साथ फाइट कर सकता है। कॉन्ग अपनी फाइट्स में अपने एक स्मैश से ही अपने अपोनेंट को धूल चटा सकता है। वहीं अगर ध्यान दें मेथुसेला पर तो मेथुसेला की स्ट्रेंथ बढ़ाती है उसकी पावरफुल जॉज और उसकी मैसिव हॉर्न्स, यानी ये अपने जबड़े और सींग की मदद से अपने अपोनेंट को आराम से स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। और मजबूती में मेथुसेला कॉन्ग से आगे है क्योंकि इसकी रॉक से बनी पीठ इसको किसी भी अपोनेंट के अगेंस्ट बहुत ही एडवांटेज देती है और ये अपनी पीठ पर एक अच्छी खासी ह्यूमन पॉपुलेशन को भी होल्ड कर सकता है और इस पर किसी अटैक का भी ज्यादा असर नहीं होता। तो बात कर लेते हैं इस राउंड के विनर की। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो मेथुसेला कॉन्ग से काफी आगे हैं और कॉम्बैट में कॉन्ग मेथुसेला के मुकाबले काफी अच्छा फाइटर है, यानी स्ट्रेंथ में मेथुसेला आगे और कॉम्बैट स्किल्स में कॉन्ग, इसीलिए ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कॉन्ग और मेथुसेला आज तक कभी वन ऑन वन बैटल में नहीं दिखे, इसीलिए हमारे हिसाब से ये राउंड टाई होता है। बाकी आप कमेंट्स में बताओ कि आपको इन दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट ज्यादा लगती है। राउंड फोर, आर्मर एंड हीलिंग फैक्टर। इस राउंड कॉन्ग थोड़ा पीछे रह जाता है और उसकी वजह है लैक ऑफ बॉडीली आर्मर और पुअर हीलिंग फैक्टर। कॉन्ग की पूरी बॉडी पर कोई भी आर्मर नहीं है और उस पर किया हुआ कोई भी हमला डायरेक्ट उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही उसकी बॉडी जल्दी से उस अटैक को हील भी नहीं कर पाती। पर वही मेथुसेला इन दोनों ही फैक्टर्स में आगे है। उसकी बॉडी पर रॉक बॉडीली आर्मर है जो उसे अटैक से सेफ रखता है और इसका हीलिंग फैक्टर भी कॉन्ग से बेहतर है, इसलिए इस राउंड का क्लियर विनर मेथुसेला है। राउंड फाइव, इंटेलिजेंस। कॉन्ग को देखकर ही हम बता सकते हैं कि वो काफी इंटेलिजेंट है क्योंकि कॉन्ग एक एप है और यही चीज इसे इसके एलाइज और एनिमीज से अलग बनाती है। ये फाइट के दौरान भी रॉक्स और ट्रीज को वेपन्स की तरह इस्तेमाल करता है। साथ ही इसका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने ओपोनेंट को काफी दूरी से देख सकता है और उसे देखकर पहचान सकता है। लेकिन मेथुसेला की इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता,
पर ये बात तो श्योर है कि कॉन्ग इंटेलिजेंस के मामले में मेथुसला से आगे है, इसीलिए इस राउंड का विनर कॉन्ग है। तो फाइनल कंक्लूजन निकालें तो कॉन्ग ओरिजिन, स्पीड एंड एजिलिटी और इंटेलिजेंस इन तीनों राउंड्स में आगे है, मेथुसला आर्मर एंड ईलिंग फैक्टर में आगे है और स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट राउंड टाई हुआ है। इन पॉइंट्स के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ग मेथुसला से जीत जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर वर्स में मेथुसला को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है और ना ही इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने आई है और इन राउंड्स में हारने का ये बड़ा रीजन है। पर ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि मॉन्स्टर वर्स की अपकमिंग मूवीज में मेथुसला की पावर्स और एबिलिटीज को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉन्ग से भी आगे निकल जाए। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो कॉन्ग क्लियर विनर बनता है। अगर आप लोग कॉन्ग और गॉडजिला के हार्डकोर फैंस हैं तो इनकी अपकमिंग मूवी की स्टोरी का फुल एक्सप्लेनेशन आपको आई बटन पे मिल जाएगा, चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर भी जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बगल के घंटे को भी बजा दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक मार दो। मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।